गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द कालदेम होम स्टे। तो कल की कहानी वहीं पे ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने कालदे में जो है होम स्टे लिया हुआ था। एंड ये इसका व्यू है, होम स्टे से बिल्कुल आगे पहाड़, नीचे की तरफ नदी, सामने तक की तरफ सबके सूखते हुए रेनकोट। एंड ये इनका वॉशरूम है। एंड कुछ हमारे राइडर्स, हमारे भाई लोग सोए हुए इस तरीके से। एंड चलिए मैं आपको, यहाँ पे एक डाइनिंग का व्यवस्था है इनका, और इसके बाद चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर से आपको दिखाता हूँ बाहर की तरफ, रोड की तरफ, कि कैसा कुछ है कालदेंग होम स्टे। तो बॉडी बिल्डर भाई मिल जाएंगे आपको जब भी आप आए कालदेंग होम स्टे। एकदम दिरांग मिलने से पहले 5-6 किलोमीटर पहले ये बॉडी बिल्डर भाई मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द मेन रोड, एकदम मेन रोड में ही लगा हुआ है, कहीं भी घुसना नहीं आपको। ये बाइडू खाना सब बना के हमको खिलाती है, तो कल भी इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था। एंड ये देखिए भाई साहब एक अजूबा, इसको क्यों यूज करता है दीदी? अच्छा, दिस इज़ फॉर द मॉस्किटोज एंड ऑल द फ्लाइज, यू नो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है शायद, तो धूप टाइप जला रहे हैं इनको। ये पत्ता डाल के सुंदर था, रात को नींद भी अच्छी आ गई। बाइक्स हमारे कुछ यहाँ गैरेज में, कुछ यहाँ देखिए, ये दो कुटिया बन फायर का भी जो है थोड़ा सब कुछ है इनके पास। एंड ये रहा मेरा चेतक, इसका हाल देख लीजिए इस तरीके से। तो यही है कालदेंग होम स्टे। एंड आगे की तरफ पहाड़, ऊपर कुछ बादल लगे हुए, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ। एंड हम लोग आज थोड़ा आगे जाने वाले हैं, एक वाटरफॉल, मॉन्स्ट्री वाटरफॉल में भी नाम है उसका, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो कालदेंग होम स्टे देख लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर इनका है 8415001995। तो नोट डाउन भी कर दिया मैंने, कभी भी आइए तो यहाँ पे आराम से आप रह सकते हैं होम स्टे में। सस्ता भी है, अच्छा खाना भी मिल जाएगा आपको। डोंट एक्सपेक्ट लाइक किसी रेस्टोरेंट्स या होटल्स की तरफ, बट एक घर में जो खाना मिलता है आपको वो मिल जाएगा। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। एंड थोड़ा सा जो एक्सप्लोर करना था, बट सवेरे ये लोग कोई उठे नहीं हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ बंदे सोए हुए। हेलो हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एकदम गुड मॉर्निंग अपना, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। लाए लाए उठी पर लगी वो सबे प्रथम। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक, 1 2 3 माइक चेक। तो अंदर से बाहर से व्यू खत्म करने के बाद अब उठाते हैं प्रेम को, क्योंकि जाना है हमें मॉन्स्ट्री। एंड प्रेम उठो, मॉन्स्ट्री जाना है, नहीं तो सब लोग सोया रह जाएगा, हम लोग जाके आते हैं, घूम के आते हैं आगे जाके, तो ऐसे ही रह जाएगा जिंदगी। चलो इसके लिए रात को जल्दी सो क्यों बोलते हैं हम, देखा काम आएगी नहीं। हाँ चलो अब वीडियो में बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द दिरांग। तो चलिए सब लोग फ्रेश अप होके निकल लेते हैं छोटे से राइड के लिए आगे की तरफ। तो जल्दी जल्दी करते हैं भाई साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए सब लोग। सो मॉर्निंग में ब्लैक टी, बॉडी बिल्डर भाई साहब हमको ब्लैक टी पिलाएंगे।
साथ में आपको मिल जाएगा ये ब्रिटानिया बिस्किट दुटा को इसमें ऑलरेडी तो ये चाय है पीने के लिए देखिए एलेट भाई साहब और ये हमारे तुम्हें तो उतारते काम करा ना अच्छा हाँ तो ये डबल राइड आए थे मुंटा कीन के साथ सो फाइनली हम लोग जो है बाजार पहुंच चुके हैं ये मार्केट प्लेस एरिया एंड इसके पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता है हम लोगों ने पेट्रोल भी भरवा दिया चेतक को ब्रेकफास्ट करवा दिया खुद किया नहीं है पर चेतक को ब्रेकफास्ट करवा दिया है एंड नीचे की तरफ पूरा मार्केट ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं क्रॉस करेंगे एक रास्ता नीचे की तरफ एक रास्ता इस तरफ और एक रास्ता इस तरफ जाते ऊपर की तरफ चलना है हमको तो ट्रक भाई सब भी इसमें आ गए कि जा क्यों नहीं रहा है भाई This is some kind of Buddha temple maybe and parking is here lad is here oh parking etway hai मोनेस्ट्री जो है पहुंच गए यहाँ से हमें चल के नीचे की तरफ जाना पड़ेगा उसके पहले एक अच्छा सा व्यू जो है यहाँ पे दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये देखिए भाई साहब तो ये है खूबसूरती अरुणाचल प्रदेश की यहाँ के वातावरण की यहाँ के प्रकृति दृश्य की बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत ही पीसफुल लग रहा है एक बंती बाबा भी हैं सामने बहुत दूर से आए ये देखने के लिए एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिल खुश कर दिया इस चीज़ ने इस गेट से अंदर की तरफ चलना है अभी घंटी के शेप में इसको बनाया गया है जैसे कोई भी बुद्धिस्ट टेंपल कुंभा में होता है घुमाने वाला आप नेपाल गए हो काठमांडू गए हो तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा वहाँ पे भी और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो घंटी के शेप में इसको काटा गया बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा व्यू है बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के मन को शांति
पहाड़ों पे फिर से बादल दिखने लगे हैं। हम लोग नीचे थे तो अब धीरे धीरे पहाड़ पे जा रहे हैं, तो आप सीधे मेरे सामने वाले पे देख सकते हैं कि कितने बादल लगे हुए हैं। एंड पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये रास्ता, इसकी बात ही कुछ और होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाता हूँ और बाकी लोगों का वेट करता हूँ। एंड यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको सीधे वो पहाड़ नज़र आ रहा है, अब जो एकदम सफ़ेद नज़र आए वो है बादल, मतलब पूरे बादल ने पहाड़ को ढक लिया है। इस तरह भी देख लीजिए, हमारा चेतक प्रीलोडेड, थैंक यू भाई यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए। और कुछ बिना परेशानी के बहुत अच्छे से आज इसने हमें अच्छी राइड दी है। तो कुछ बंदे पीछे छूट गए, उनका इंतज़ार करते हैं, फिर आगे वाले बंदे को हम मीटअप करेंगे बोमडीला में। पंचर हैपन गाइस, मतलब पंचर हो गया भाई साहब। अभी पंचर होने के बाद क्या करें, इसको चाका को खोलने के बाद मैकेनिक लेने के लिए जा रहे हैं। जब तक मैकेनिक आता है तब तक हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कुछ मायो, तो ये बनेगा यहाँ पे, इसको खाया जाएगा। तो एक और एक्सट्रीम एरिया में आपका स्वागत है भाइयों और भाइयों के बहनों सभी का। तो बहुत ही बढ़िया रहा सब कुछ, सारा ये राइड बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने रात का वीडियो बनाया था पर गलती से वो जो है डिलीट हो गया मेरे से, तो रात में हमने क्या खाया वो मैं आपको दिखा नहीं सका। तो इन प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में आपका ये होस्ट, आपका ये दोस्त, मैं शेख प्रधान आपको बोलता हूँ अलविदा इस वीडियो के लिए। तो अगले बार भी हम लोग एक महीने या डेढ़ महीने बाद कहीं चलेंगे एंड वहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे सब कुछ।
तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद सेफ प्रधान। तो ऐसा ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा एंड लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना आपकी फैमिली बड़ी होगी। तो थैंक यू एवरीवन।